हेलो एवरीवन, आई होप कि IBPS की जितने भी प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स हैं सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और देखिए, मैं छोटी सी एक आपके साथ स्टोरी स्टोरी या छोटी सी एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आपको हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। देखिए, मेरा एक स्टूडेंट है, अभी लास्ट ईयर जब उसने IBPS RRB दिया था क्लर्क वाला, तो उसके प्री में 80 out of 80 आए थे। उसने कंप्लीट 80 out of 80 है ना, लेकिन फिर भी उसका मेंस कुछ एक या दो या पॉइंट मुझे याद नहीं कितने मार्क्स रह ही गया था फाइनल, मतलब उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। आपको पता है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? 80 versus 80 आया, तो आप ये समझ गए होंगे कि उसका रीजनिंग और मैथ्स अच्छा भी है और उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन जो GS का पोर्शन आता है उसमें, जो GK वाला आता है, जनरल अवेयरनेस वाला, वो उसमें हमेशा से बहुत कमज़ोर था और उसका पढ़ने का मन ही नहीं करता था। GA में हमेशा बोलती थी कि देखो, अकेले सब्जेक्ट से, दो सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, आपको GA भी कवर करनी है। तो वो पढ़ता भी था तो एक मन नहीं लगता था उसका GA पढ़ने में। वो फाइनल उसका रिजल्ट यही हुआ कि 80 versus 80 आने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ मेंस वाले में, जबकि उसका मैथ्स रीजन तब भी बहुत अच्छा था और उसने मेंस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जितने एक एवरेज से ऊपर ही उसने रीजनिंग मैथ्स में किया, लेकिन बिलो हो गया वो GA में, और एक सब्जेक्ट खराब होने की वजह से फाइनल सिलेक्शन रुक गया। तो यही सजेशन है आप लोगों के लिए कि आपके कोई अगर दो सब्जेक्ट अच्छे हैं तो इस गलतफहमी में मत रहना कि आपके जो है वो आप कम सब्जेक्ट भी तैयार कर लोगे, यानी एक सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं भी दोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। कट आउट बहुत हाई जाते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट को अगर कैजुअल लेके चल रहे हो और अवॉइड कर रहे हो तो आप सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन से रुक जाएंगे, है ना। इसलिए अभी तो प्री है, प्री के जस्ट मेंस के बाद आपको कोई भी, आपको लगे कि आपके 80 में से 80 आ गए तो आप तो रीजनिंग मैथ्स उड़ा दोगे, अब आपको GA पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कभी मत करना, ठीक है। ये एक छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आपको जब भी याद आती है या मैं बैठी होती हूँ, जब सोच रही होती हूँ इन बारे में, तो मुझे लगता है कि एकदम माइंड में क्लिक किया कि इस बारे में आपको अवेयर कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि इस बात में कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें पता है। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में 1000 सवाल होते हैं, जो फर्स्ट टाइम इस तैयारी की फील्ड में आए हैं, उनके दिमाग में हर एक छोटे से छोटा सवाल उनका माइंड को कहीं ना टैकल एक वो करता है कि कहीं ना कहीं इस वाले सवाल का क्या जवाब होगा, ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूं तो कैसा हो जाएगा, या दो सब्जेक्ट पढ़ लूंगा तो काम चलेगा या नहीं चलेगा। ये सारी बातें उन लोगों के लिए होती हैं, और जिनको पता है उनके लिए ये वीडियोस होते भी नहीं हैं, ओके। तो जुड़े रहिए, मैं छोटी से छोटी बात, छोटे से छोटे सवाल, छोटी से छोटी ट्रिक्स, जितने भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ आप उनको फॉलो करिए, रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।